गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड टू। आज से हमारा स्टैंडर्ड टू स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो आज से देखो बच्चों, आपको थोड़े बुक्स लेने हैं ना बच्चों, परचेज करनी है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ देखो आपको, कि आपको एक मेरी सब्जेक्ट रहेंगे बुक्स, टेक्स्ट बुक और अदर बुक्स है ना, वर्क बुक। तो आपको ये सारी बुक्स है परचेज करनी है। नोटबुक भी इस हिसाब से आपको सारी बना देनी है, ओके। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे सब्जेक्ट रहेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में मेरी गोल्ड है, मेरी गोल्ड इंग्लिश, ओके। फिर मैथमेटिक, जनरल इंग्लिश रहेगी, गुजराती, हिंदी, जनरल नॉलेज, ड्राइंग बुक और कंप्यूटर बुक, है ना। ये सारे सब्जेक्ट हम सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये सारी बुक्स आपको मम्मी पापा को बोलनी है। अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं परचेस की हैं तो इस हिसाब से आपको बुक्स ले लेनी है, ओके। फिर वर्कबुक भी ले लेनी है और नोटबुक्स भी ले लेनी है। चलो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का आज इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, है ना बच्चों। सेकंड स्टैंडर्ड में आए हो ना, तो सारे सब्जेक्ट ऐसे तो आप जानते ही, फर्स्ट में पढ़ के आए हो, बट हम फिर से दिस टाइम हम देख लेते हैं। ये आपकी है बच्चों जनरल नॉलेज की टेक्स्ट बुक, है ना। तो यहाँ पर देखो सेकंड स्टैंड लिखा है, ये जनरल नॉलेज की बुक है, ओके। फिर यहाँ पर है मेरे पास ड्राइंग बुक है, ओके। ड्राइंग भी तो करना है ना इस साल, तो ये मेरे पास सेकंड स्टैंडर्ड की ड्राइंग बुक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, ये है विकास कर्सिव राइटिंग वाली टेक्स्ट बुक है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए काम आएगी, कर्सिव राइटिंग के लिए, ये भी ले लेनी है बच्चों। फिर ये हमारी गुजराती सब्जेक्ट की गुजराती प्राइमर पार्ट टू की बुक है, ओके। तो आपको ये भी परचेस कर लेनी है, ओके। ये सारी बुक लेनी है। फिर ये हमारी है हिंदी, हिंदी की हिंदी प्रवेशिका नूतन अभिनव हिंदी प्राइमर स्टैंडर्ड टू, यहाँ पर पार्ट टू लिखा हुआ है, तो ये बुक लेनी है आपको, ओके। फिर नेक्स्ट है ये हमारी मैथ्स की बुक है। देखो ये हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, इसे क्या कहेंगे, मैथ मैजिक बुक, टेक्स्ट बुक। एंड नेक्स्ट है मैथ मैजिक, ये हमारी वर्क बुक है ना बच्चों। दोनों का आप बराबर ध्यान से देख लो, ये हम वर्क बुक बोलेंगे इसको, वर्क बुक, और ये हमारी टेक्स्ट बुक मैथ मैजिक की टेक्स्ट बुक है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट इसमें मैं स्टार्ट करवाऊँगी पढ़ाना, तब आपको डिटेल्स में समझाऊँगी, ओके। फिर ये हमारा है मेरी गोल सब्जेक्ट, मेरी गोल सब्जेक्ट की ये हमारी टेक्स्ट बुक है। देखो बच्चों, तो ये हमारी टेक्स्ट बुक है और इसकी वर्क बुक भी है हमारी, जो ये हमारी मेरी गोल बुक की वर्क बुक है, ओके। देखो यहाँ पर लिखा है वर्क बुक मेरी गोल, ओके, स्टैंडर्ड टू। तो ये आपको ले लेनी है, परचेस करनी है। और एक सब्जेक्ट रह गया है बच्चों, जो जनरल इंग्लिश अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको जब भी मैं उसके जनरल इंग्लिश में करवाऊँगी तो आपको उसकी बुक्स बताऊँगी, ओके। फिर आपको नोटबुक भी तो बनाना मैंने कर नोटबुक में वर्क करना होता है, तो आपको देखो यहाँ पर नोटबुक की लिस्ट है, ओके। तो आपको ये ले लेनी है 200 पेज की 4 लाइन की 4 नोटबुक लेनी है, एक इंग्लिश के लिए, एक होमवर्क बुक ले लिए, एक जनरल इंग्लिश के लिए और एक कंप्यूटर के लिए। फिर यहाँ पर 100 पेजेस की डबल लाइन की 1 नोटबुक लेनी है, जो जीके सब्जेक्ट के लिए, ओके। फिर नाउ 100 पेजेस की सिंगल लाइन की 2 नोटबुक लेनी है, किस सब्जेक्ट के लिए, तो एक गुजराती के लिए लेनी है और एक हिंदी के लिए लेनी है, और एक प्लेन ड्राइंग बुक लेनी है, क्योंकि अभी ड्राइंग बुक में आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ड्राइंग भी हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट, ओके। जो इसे आपको करना, बच्चों को करना बहुत ही अच्छा लगता है ना, जो ड्राइंग बुक लेनी है और एक क्रेन कलर ले लेने हैं, ओके बच्चों। ये हमारी बुक्स की लिस्ट हैं, जो मैंने अभी सब्जेक्ट वाइज आपको सबको समझा दी हैं।
तो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके मम्मी पापा को भी दिखा दीजिए। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड। ओके, तो देखो बच्चों, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? जो हम स्टार्ट करेंगे कर्सिव राइटिंग से। ओके, जो इजी रहेगा आपको, थोड़ी प्रैक्टिस भी लिखने की प्रैक्टिस। अभी वैकेशन चल रहा था, आप लोगों ने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होगी, है ना बच्चों? तो आज हम कर्सिव राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बच्चों कर्सिव राइटिंग में आपको बुक्स में देखो, यहाँ पर आपका नाम, स्टैंडर्ड, रोल नंबर, डिवीज़न, स्कूल नेम, ऐसा सब फिल कर देना है। ओके, फिर इसको फिल करने के बाद आपको अगर मम्मी को बोलना है, आपको नेम नहीं लिखना आता है, बट आपको अच्छी तरह आपकी मम्मी को बोलना है, स्टैंडर्ड 2 लिखना है, डिवीज़न लिख देना है। ओके, डिवीज़न ए लिख दो। ओके, रोल नंबर मैं बताऊंगी, बोलूंगी आप सबको। ओके, फिर नेम भी लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज है, यहाँ पर पेज नंबर 2 पे देखो, यहाँ पर है पेज नंबर 2 पे हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स गिवन है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आज हमें पेज नंबर 2 लिखना है। ओके, कौन सा पेज लिखना है बच्चों? पेज नंबर 2 लिखना है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा बच्चों? कि ये आपको लिखना है। ओके, प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। फिर यही पेज आपको आपके होमवर्क की नोटबुक में, 4 लाइन की नोटबुक बनानी है, उसमें लिखना है। तो आज की यहाँ पर डेट लिख देना है, जब आप लिखने बैठेंगे तो यहाँ पर डेट लिख देना है और स्टार्ट करना है। आज की डेट कौन से बच्चों? 11/6। ओके, तो और 2021। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आपको ये देखो, ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। मुझे मालूम है बच्चों आपको सबको ये आता ही है, बट हम क्या करें बच्चों, प्रैक्टिस कर दें। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो आपको भी इजी हो जाना चाहिए ना, नहीं तो पहले ही दिन बोलोगे कि मिस ने तो बहुत हार्ड पढ़ा दिया, हमें तो नहीं आता, समझ में नहीं आता है। तो आपको ये प्रैक्टिस पहले कर लेनी है। ओके, एस है, फिर ये टी है, अगर आप भूल गए होंगे लिखना तो भी हो जाएगी प्रैक्टिस। यू, वी, फिर डब्लू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके बच्चों, देखो इसी तरह आपको ये ए दिया है, तो यहाँ से ऊपर से देख के सेम 2 लाइन लिखनी है। ए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आएगा नेक्स्ट बी, देखो यहाँ से देखिए बी, फिर ये सी। ओके, फिर यहाँ पर डी, ऐसे ही बीच में इसकी तरह डी राइट करना है, डी, फिर ई। ओके, समझ गए बच्चों? ई, एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, फिर एल, और ये एम, फोर मंकी, एम, फिर यहाँ पर एन, फिर ओ, टी, क्यू, आर, फिर एस, टी,
यू, फिर वी, डब्लू, एक्स, वाई एंड लास्ट में जेड। ओके बच्चों, समझ गए आप? ये वन टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया, अभी है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइम, मतलब कि ये पेज आपको कंप्लीट कर देना आज के होमवर्क का। और यहाँ पर आपको डेट भी लिख देनी है। ओके, फिर यहाँ पर जब भी स्कूल चालू होगी तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर करूँगी। ओके, समझ में आए बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। ओके, आप इतना प्रैक्टिस दीजिए, फिर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।